हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले। आज सर महावीर धाम अजोसी पर किस प्रकार का पर्व मनाया जा रहा है? ऐसा है सर कि बसंत पंचमी के समय पर यहाँ पर सभी देवी देवी देवताओं की स्थापना हुई है, सभी दैविक शक्तियाँ और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर स्थापना हुई है। उसी के बाद जो बसंत पंचमी आता है उसके बाद जो मंगलवार आता है महाशक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है, कराही चढ़ाने का त्यौहार जी। यहाँ पर श्रद्धालु आज दूर दराज से आते हैं, दूसरे जिले से दूसरे प्रांत से आते हैं और कराही चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं, दान देते हैं और उनकी मनोकामना महाबली हनुमान पूर्ण करते हैं, इसीलिए यह बहुत बड़ा मेला लगता है आज के दिन। इस मंदिर के मेन पुजारी वर्तमान में कौन है? इस समय सार्वजनिक मंदिर सभी जितने कार्यकर्ता आप भी हैं, यहाँ पर जनता दान देती है और जनता के दान के द्वारा मंदिर बनाया गया है, किसी कोई इसमें मालिक नहीं है, जैसे मालिक सभी है। इसे मतलब देख रेख कहीं में कार्यकर्ता है 8-10 हैं। कुछ नाम बता दीजिए। जैसे त्रिभुवन दास यादव जी हैं और राम शिरोमण हैं, हरगेन शास्त्री जी हैं, हमदेव शंकर यादव हैं और इसके बाद इंद्रसेन सिंह हैं, महेंद्र प्रसाद यादव अध्यापक सड़ेरी के हैं। जहाँ से कोई भी आकर के यहाँ पर, जैसे कि अतुल पंडित जी हैं है? और आकाश मिश्रा जी हैं और शिवपलट मिश्रा जी हैं, चाहे जो भी यहाँ पर आकर के, सार्वजनिक मंदिर है, सब सहयोग करते हैं, सबके द्वारा बनाया जाता है। पंडित राजेश मिश्रा जी हैं महम्मदपुर के, जिनके द्वारा लगभग 4-5 लाख रुपया दान मिला है। तो ऐसा है सर कि जो भी यहाँ आते हैं, सार्वजनिक मंदिर है, सब मिलजुल के काम होता है, कोई यहाँ का एक अकेले पर्सनल मालिक नहीं है। धन्यवाद। सब सबको जानकारी रहती है क्या काम हो रहा है, क्या पैसा आ रहा है। ये सर ग्राम सभा जोशी है, पावन धाम जोशी जी। धन्यवाद सर।